इसका टेबल बना लिया है, तो साथ साथ मैं आपको एग्जाम्पल्स भी बताता जाऊँगा। तो सबसे पहले हमारा टेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो इसमें इसका एक्टिव वॉइस जो बनता है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट का एस सब्जेक्ट के बाद हम एस यानी यस का ना ऐड कर देते हैं, एस यानी यस ऐड कर देते हैं, फिर हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, साथ ऑब्जेक्ट लगा देते हैं ना। तो इसका हमारा जो इसकी जो हमारी एग्जाम्पल आएगी प्रेजेंट इंडेफिनेट की, जैसे कि ही गोज टू स्कूल, ही इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा, गोज जो है इसमें वो हमारा ये एस का इजाफा किया है हमने ई एस का गो में आगे, तो वो गोज बन गया। तो फर्स्ट फॉर्म ही गोज टू स्कूल डेली, तो आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, स्कूल इसमें ऑब्जेक्ट होगा ना, तो ही गोज टू स्कूल डेली आगे आ जाता है, ही राइट्स अ लेटर, तो और भी काफ़ी सारे इसकी एग्जाम्पल्स आ जाएंगी, ठीक है। तो इसकी जो पैसिव वॉइस बनेगा, पैसिव वॉइस में हम करेंगे ऐसे कि जब इससे अगला टेंस है जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है उसके हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे ना इस एम आर, ठीक है। और जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, और जो सब्जेक्ट है उसे हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, और हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी ना हमारी, और बाय का इस्तेमाल लाजमी होगा थर्ड फॉर्म के बाद। तो जैसे मेरे लिखा है सब्जेक्ट के बाद इस एम आर प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट जैसे कि इधर हमारा था ही गोज टू स्कूल डेली, ठीक है, ही गोज टू स्कूल हम जैसे कि पढ़ लेते हैं सिंपल ना, तो स्कूल इज क्योंकि जो हमारा नया सब्जेक्ट बनेगा ना ऑब्जेक्ट से उसके लिहाज से हम इसमें से हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे। तो आएगा स्कूल इज गो की थर्ड फॉर्म होती है गो एंड गोज, स्कूल इज गोन बाय थर्ड फॉर्म के बाद बाय आ गया, स्कूल इज गोन बाय हिम, ही को हिम में बदल देंगे हम, शी को हर में, दे को दम में, और सारे चेंज हो जाएंगे ना। तो इसका जो और हमारे पास था ही राइट्स अ लेटर, तो इधर हमारा आ जाएगा लेटर इज रिटन थर्ड फॉर्म आ जाएगी ना रिटन बाय हिम, ठीक है। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस भी होगा पैसिव वॉइस। आगे आ जाता है सेकंड टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, इसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। तो इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इस एम आर प्लस आई एन जी प्लस आई एन जी वाली फॉर्म ना, प्लस बाय का यूज इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें ये लिख दिया है मैंने, पर इसमें बाय का यूज नहीं आएगा, और ऑब्जेक्ट लगा लेंगे ना आई एन जी वाली फॉर्म के बाद, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है, तो सब्जेक्ट के बाद जैसे कि ही इज गोइंग टू स्कूल, उधर था ही गोज टू स्कूल, इधर आ गया ही इज गोइंग टू स्कूल ना, ठीक है। तो आगे हमारा इसकी जो जब हमारा इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे ना इसमें भी वही रूल है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे, ये रूल हर टेंस में आएगा और हर टेंस में थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो इसमें हमारा आ रहा है इस एम आर हमारा हेल्पिंग वर्ब, इसमें हमारा सेम ही रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना, प्लस हम इसमें ना बीइंग ऐड कर देंगे, बीइंग ऐड होगा इसमें हमारा, और थर्ड फॉर्म आ जाएगी जैसा कि आपको मैंने बताया, और बाय का यूज प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि इधर था ही इज गोइंग टू स्कूल, तो इधर आ जाएगा हमारा स्कूल इज बीइंग या थर्ड फॉर्म थी गो एंड गोन, स्कूल इज बीइंग गोन बाय हिम, तो इधर था ही इज गोइंग टू स्कूल, स्कूल इज बीइंग गोन गो एंड गोन आएगा ना। कुछ बच्चे होते हैं वो गो को गोन कर देते हैं ना, तो ऐसा नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो आगे हमारा जो थर्ड टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है वो है हैज हैव, ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव आ जाएगा इसमें हमारा, फिर हमारा हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी ना, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हम इसमें, तो प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे इस पे, जैसे कि हमारे पहले ही थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में भी हमारा थर्ड फॉर्म मिलेगा। तो जो पैसिव वॉइस में आएगा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, हैज हैव ऐसे ही रहेगा, इसमें ऊपर हमने किया था बीइंग का बीइंग ऐड किया था ना, बीइंग का इजाफा किया था, तो नीचे हम बीन ऐड करेंगे, बीन बीन से बीन हो गया ना, ये बीन का इजाफा किया हमने, आगे थर्ड फॉर्म आ जाएगी वैसे ही प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो इधर जैसे कि था ही इज गोइंग टू स्कूल, तो इधर आ जाएगा ही हैज गोन टू स्कूल, ही हैज गोन टू स्कूल आ जाएगा ना। आगे पैसिव वॉइस में जैसे कि हमारे पास इसकी एग्जांपल आ जाएगी ही हैज गोन टू स्कूल, इसकी है तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया,
वाइज नहीं होता। तो और जो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूटी से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रेजेंट टेंस है और आगे परफेक्ट, इसमें परफेक्ट की हाल इनवर्ब हम यूज करते हैं और कंटिन्यूस की हम फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। जैसे कि इसका हमारा फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, मतलब इसके बाद इसमें ना जैसे कि परफेक्ट के हमारे हेल्पिंग वर्ब से हैज है तो उसके साथ हम बीन का इजाफा कर देंगे ना, हैज बीन हैड बीन, ठीक है। प्लस आईएनजी वाली फॉर्म आ जाएगी इसमें हमारी कंटिन्यूस की, प्लस सिंस फॉर का यूज इसमें हमारा मेन है इसलिए हम सिंस फॉर का यूज करते हैं ना, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसकी भी एग्जांपल इसकी मैं नोट भी कर देता हूँ क्योंकि इसके एक्टिव वाइज नहीं है और साथ ये जैसे कि पीपल, पीपल के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे उसके लिहाज से पीपल हैव बीन, पीपल हैव बीन पीपल प्लूरल है ना, ठीक है। पीपल हैव बीन कमिंग टू द पार्क सिंस का यूज करेंगे, सिंस मॉर्निंग आने वाली वीडियोज मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।